हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये है रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित और ये एक इंटरव्यू की फॉर्म में है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और फिर जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिप्लाई करता है। तो किस तरीके से रिप्लाई करना होता है जब आपसे कुछ पूछा जाए, कौन से टेंसेज यूज़ किए गए हैं, कॉन्टेक्स्ट में उसको समझेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि नए वर्ड मीनिंग्स और जो नए वर्ड्स हैं उनका उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन, साथ ही में ग्रामर रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी सीखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टाइटल है इसका, पैसेज का, फ्रॉम स्ट्रगल टू सक्सेस। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, सक्सेस मीन्स सफलता। तो संघर्ष से सफलता का सफर। व्हाट्स The one thing that you associate with your college days? So what's, आप देख रहे हैं यहाँ पे apostrophe लगा हुआ है लेकिन ये noun से पहले नहीं है, तो यहाँ पे ये possession show नहीं कर रहा है। मतलब कि हम ऐसे नहीं बोल सकते का के की इसका मतलब निकलेगा, ये है contracted form। तो apostrophe जब लगा होता है उसके आगे noun हो तो तब वो possession बताता है कि इसका, इसकी, इसके, लेकिन जब ये है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मीन्स दो वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करके एक वर्ड बनाया गया है, तो अगर इसको खोलते हैं तो इसका मतलब होगा व्हाट इज। व्हाट इज द वन थिंग दैट यू एसोसिएट, वो एक चीज क्या है जो कि आप एसोसिएट विद योर कॉलेज डेज, जिसे आप जोड़ सकते हैं विद योर कॉलेज डेज, अपने कॉलेज के दिनों से। तो कोई ऐसी याद, कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप जोड़ते हैं अपने कॉलेज डे से, जिसकी यादें आप जुड़ा सकते हैं अपने कॉलेज डे से। फॉर मी इट वॉज कंज्यूमिंग कॉपियस अमाउंट्स ऑफ चाय, चाय यानी टी। फॉर मी, तो जो ये नरेट कर रहा है पैराग्राफ फर्स्ट पर्सन में, अपने लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया है वो है मी। तो मेरे लिए इट वॉज कंज्यूमिंग कॉपियस अमाउंट्स ऑफ चाय। तो मेरे लिए जो मेमरी है या याद है जिसको मैं एसोसिएट कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ अपने कॉलेज के दिनों से, तो वो है कॉपियस मीन्स बड़ी मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा चाय पीता था मैं। तो इट वॉज कंज्यूमिंग कॉपियस अमाउंट्स ऑफ चाय। तो मेरे लिए जो याद एसोसिएट कर सकता हूँ मैं अपने कॉलेज के दिनों में, वो है कि बहुत सारी चाय पीना दोस्तों के साथ। अ कप ऑफ टी वॉज अ पैनसिया, पैनसिया यहाँ पे आपके लिए लिखा भी हुआ है, रेड पेन से स्पेलिंग्स लिखी गई है और ऊपर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग ब्लू पेन से लिखे गए हैं। अ कप ऑफ टी वॉज अ पैनसिया टू ऑल ट्रबल्स, तो एक कप चाय का था सभी रोगों का निवारक, मतलब कि सारे रोग उससे दूर हो जाते थे मेरे लिए। तो अपनी बात बता रहे हैं वो, टू ऑल ट्रबल्स मतलब जितनी भी मुश्किलें थी, अगर एक कप चाय मिल जाए तो लगता था कि सारी मुसीबतें टल गई हैं। तो इट जो कप ऑफ टी है, इट सर्व्ड एज अ पैनेसिया फॉर मी, मेरी सारी परेशानियां उससे दूर हो जाती थी। एंड द कंपेनियन टू ऑल जॉयज, और वही चाय का कप एक साथी की तरह भी काम करता था। कंपेनियन मीन्स साथी, फ्रेंड, टू ऑल जॉयज, सभी खुशियों का साथी। अ कप ऑफ टी वॉज अ पैनेसिया टू ऑल ट्रबल्स एंड द कंपेनियन टू ऑल जॉयज। इन दिस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, तो अब जो आगे आप पढ़ेंगे वो एक इंटरव्यू की फॉर्म में है, साक्षात्कार हो रहा है, मतलब कि बातचीत होगी, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो भी इनका गेस्ट होगा, और वो एक्सक्लूसिव मतलब विशेष इंटरव्यू में। वी कॉट अप विद 65-year-old दीपक गर्ग। अब कॉट अप जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है हमने बातचीत करी या हमने पता लगाया उनकी ज़िंदगी के बारे में, किनकी, 65 ईयर के जो है 65 साल के दीपक गर्ग, जो कि हैं ओनर ऑफ गंगा ढाबा, जो कि मालिक हैं गंगा नाम के ढाबे के। अ स्पॉट दैट एवरी ऑफिसर फ्रॉम लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ विजिटेड मल्टीपल टाइम्स,
तो जो कि मालिक हैं गंगा नाम के ढाबे के, गंगा ढाबे के एक जगह स्पॉट जगह जहां सभी ऑफिसर्स जो कि इस एकेडमी से हैं, ये वाली एकेडमी से जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ लिखी हुई है LBSNAA। तो ये मसूरी में है ये वाली एकेडमी जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। इस एकेडमी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ विजिटेड, तो एवरी ऑफिसर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है एवरी ऑफिसर, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आया है वो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ विजिटेड। तो यहाँ पर हर एक ऑफिसर ने विजिट किया है या यहाँ पे आए हैं, और हैज़ विजिटेड ये जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विजिट विजिटेड विजिटेड, हैज़ विजिटेड मल्टीपल टाइम्स कई बार। अब यहाँ पे दीपक जिनका कि इंटरव्यू हो रहा है दीपक गर्ग, वो कहना शुरू करते हैं। दीपक बिगिंस, दीपक बोलते हैं शुरू करते हैं। अब ये है जब इनका डायलॉग होगा तो वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच बोली जा रही है उनके द्वारा। तो वो कह रहे हैं, इंटरव्यूअर को बता रहे हैं, माय फैमिली हैज़ बीन हियर फॉर ऑलमोस्ट 90 ईयर्स। तो वो कह रहे हैं कि मेरा परिवार हैज़ बीन हियर, यहाँ रह रहा है फॉर ऑलमोस्ट लगभग 90 साल से, 90 ईयर्स से उनकी फैमिली। तो उनकी ये वाली फैमिली होगी उनके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, पुराने जो हैं उनके एंसेस्टर्स, तो काफ़ी टाइम से वो लोग रह रहे हैं, तभी 90 ईयर्स से वो ऑलमोस्ट वहाँ रह रहे हैं। इट वॉज माई ग्रैंड फादर हु फर्स्ट स्टार्टेड वर्किंग हियर, तो वो थे मेरे दादाजी हु फर्स्ट, जो पहले जिन्होंने पहले स्टार्टेड वर्किंग हियर, यहाँ काम करना शुरू किया, स्टार्टेड शुरू किया एज द सप्लायर टू द होटल, एक सप्लायर के तौर पे। अब सप्लायर वो होता है जो कि प्रोडक्ट सप्लाई करता है, माल जो होता है उसको मुहैया कराता है या सप्लाई कराने में हेल्प करता है। तो एक सप्लायर के तौर पे उन्होंने काम किया था और वो प्रोवाइड करते थे मटेरियल या जो भी सामान था टू द होटल। तो जो ये होटल है यहाँ पे इस एकेडमी में, उसमें वो माल सप्लाई करते थे दैट एग्जिस्टेड देन, जो कि उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था या यहाँ पे था एक होटल जो यहाँ पे था उसमें वो माल सप्लाई करते थे। और फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए, दैट मीन्स दीपक ने जो डायरेक्ट स्पीच अभी बोली थी वो एक इतना बताना चाहते हैं, उनकी स्पीच यहाँ पे फिनिश हो गई है। इन 1964 व्हेन दीपक वाज ऑल ऑफ 8, तो अब ये पुरानी बात बता रहे हैं कि 1964 में जब दीपक, अब यही दीपक गर्ग जो हैं अपनी पुरानी बात बता रहे हैं कि जब वो सिर्फ 8 साल के थे, व्हेन दीपक वाज ऑल ऑफ 8 ही लॉस्ट हिज फादर, उन्होंने अपने पिता को खो दिया। लूज का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है लॉस्ट, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म लूज, सेकेंड फॉर्म लॉस्ट, उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेजिंग 4 चिल्ड्रेन, और जिम्मेदारी ऑफ रेजिंग बड़ा करने की 4 चिल्ड्रेन, 4 बच्चों को फेल ऑन हिज मदर, उनकी मदर के ऊपर आ पड़ी, जिम्मेदारी आ गई या आ पड़ी मदर के ऊपर, उनकी माँ के ऊपर, क्योंकि पिताजी को उन्होंने खो दिया था जब दीपक सिर्फ 8 साल के थे। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमास में फिर से कहा गया है, डायरेक्ट स्पीच है, आर ग्रोइंग अप ईयर्स वर अ ह्यूज स्ट्रगल, हमारे वो दिन जब हम बड़े हो रहे थे, ग्रोइंग अप ईयर्स वर अ ह्यूज स्ट्रगल, हमारे लिए बहुत बड़े संघर्ष का टाइम था वो। तो वो जो टाइम था हमारे बढ़ते हुए, जब हम बड़े होते हुए जो साल थे, जब हम बड़े हो रहे थे, तो वो हमारे लिए संघर्ष से भरे हुए साल थे। माई मदर यूज टू टीच होम साइंस एट अ लोकल बालवाड़ी स्कूल। अब यूज्ड टू का प्रयोग कब होता है, इसका यूज़ कब होता है, जब हम पास्ट में कोई घटना के बारे में बता रहे हों,
जो कि हम करते थे। तो अब ये मदर के बारे में बता रहे हैं कि मेरी मदर ये करती थी, तो उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं, माई मदर यूज़ टू, मेरी मम्मी, मेरी माँ पढ़ाया करती थी होम साइंस एट अ लोकल बालवाड़ी स्कूल। एक लोकल मीन्स स्थानीय बालवाड़ी स्कूल में माँ पढ़ाया करती थी होम साइंस। दिस वॉज ऑल्सो वेयर माई सिबलिंग्स एंड आई स्टडीड। और ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, यानी उनकी जो अभी स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच, वो यहाँ फिनिश हो रही है। और वो बता रहे हैं कि दिस वॉज ऑल्सो वेयर, यही वो जगह थी जहाँ माई सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मीन्स अपने सगे भाई बहन, तो मेरे अपने भाई बहन एंड आए, और मैं स्टडीड पढ़ता था, ही सेज। तो वो बता रहे हैं इंटरव्यू में, इन 1978, तो अभी तो उन्होंने 1964 की बात बताई थी, अब वो बता रहे हैं इन 1978 दीपक सेज दैट ही स्टार्टेड अ फूड जॉइंट दैट ही नेम्ड ओम चाइनीज रेस्टोरेंट। तो वो बता रहे हैं कि अब उन्होंने स्टार्ट किया एक फूड जॉइंट, जहाँ पे खाना खाने का एक पॉइंट शुरू किया, जहाँ पे खाना खिलाया जाता था, दैट ही नेम्ड ओम चाइनीज रेस्टोरेंट। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, रेस्टोरेंट, भोजनालय। उसका नाम क्या रखा, ओम चाइनीज, तो ही नेम्ड, उन्होंने उसको नाम दिया ओम चाइनीज रेस्टोरेंट। अब फिर से इन्वर्टेड कॉमा है, तो यहाँ पे अब वो डायरेक्ट स्पीच बता रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं इंटरव्यूअर के साथ। इन दोज डेज देयर वॉज अ ह्यूज लाइकिंग फॉर चाइनीज फूड। उन दिनों की बात है, उस टाइम देयर वॉज, वहाँ पे बहुत से लोग लाइक करते थे चाइनीज खाने को, एंड हेंस, और इसीलिए द नेम, इसीलिए हमने भी उसका नाम रख दिया ओम चाइनीज, एंड द चॉइस ऑफ क्विजीन, 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 और जो हमने चॉइस करी, चयन किया कि भाई कौन सा हम खाना सर्व करेंगे, चाइनीज खाना सर्व करेंगे, तो क्विजीन का मतलब होता है तरह तरह के जो व्यंजन होते हैं, अलग अलग टाइप की फूड डिशेस, तो यहाँ पर उन्होंने चाइनीज चुना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि देर वॉज अ ह्यूज लाइकिंग फॉर चाइनीज फूड, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, इन दोज डेज लोग बहुत अच्छा मानते थे चाइनीज खाने को, उनकी लाइकिंग थी, दे यूज टू लाइक हैविंग चाइनीज फूड, तो इसलिए उन्होंने रेस्टोरेंट का नाम भी दे दिया चाइनीज, ओम चाइनीज, और वहाँ पे जो सर्व करी जाती थी क्विजीन, वो भी चाइनीज डिशेस होती थी, ही सेज, वो बताते हैं। फॉर ऑलमोस्ट 17 ईयर्स थिंग्स कंटिन्यूड एंड देन दीपक गॉट अ पब्लिक कॉल ऑफिस, PCO, इंस्टॉल्ड फॉर दी ऑफिसर ट्रेनीज। अब पूरे लगभग 17 साल तक चीज़ें चलती रहीं, कंटिन्यूड चलती रहीं, और फिर दीपक ने गॉट, गेट का पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है गॉट, दीपक ने एक PCO इंस्टॉल किया। सो इंस्टॉल मीन्स किसी चीज़ को लगाना, तो उन्होंने वहाँ पे क्या चीज़ एक लगवा दी, पब्लिक कॉल बूथ। अब जो बच्चे हैं, अभी आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे कि PCO क्या होता है, तो PCO पहले टेलीफोन रखा होता था, वहाँ से हम लोग कॉल करते थे अपने किसी को भी, लोकल कॉल, देन STD कॉल्स, तो वो सारी की जाती थी PCO से। तो वहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उस टाइम मोबाइल नहीं होता था, तो वहाँ पे PCO, तो ऑफिसर्स को वहाँ पे बात करनी होती थी अपने घर वालों से। तो उन्होंने, जो दीपक ने 17 साल की मेहनत के बाद एक और बिजनेस शुरू किया, वो है गॉट अ पब्लिक कॉल ऑफिस इंस्टॉल फॉर द ऑफिसर ट्रेनीज। जो ऑफिसर ट्रेनीज थे उस एकेडमी में, उनके लिए PCO को इंस्टॉल कर दिया, लगवा दिया वहाँ पे। द बिजनेस डिड सो वेल दैट सून ही हैड इंस्टॉल्ड मोर देन 10 टेलीफोन्स। अब ये वाला जो बिजनेस उनका था, व्यापार था, ये जो नया बिजनेस उन्होंने शुरू किया, डिड सो वेल, इसने इतना अच्छा किया, दैट सून, कि जल्द ही हैड इंस्टॉल्ड। अब जब हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है, कि इन्होंने इंस्टॉल किया, कर दिया, मोर देन,
यहाँ पे देन है जिसका मतलब होता है टी एच ए एन की कंपैरिजन हो रहा है कि एक से ज्यादा उन्होंने 10 टेलीफोन्स वहां पे इंस्टॉल कर दिए विद सेपरेट केबिन्स। अब केबिन्स जो है वो छोटे छोटे कमरे होते हैं, कक्ष, छोटे से कक्ष, छोटा सा एक कमरा टाइप का, और वो भी अलग अलग, उसमें अलग अलग दीवारें हैं तो सेपरेट है वो। अब 10 टेलीफोन्स है तो अलग अलग केबिन्स में है वो, अलग सेपरेट मीन्स अलग, और स्पेलिंग देख लीजिए SEPARATE सेपरेट केबिन्स। टू अलाउ देम सम प्रिवेसी, अलाउ देम ताकि उनको मिल सके, अब देम यहाँ पे ट्रेनीज है, ऑफिसर ट्रेनीज, सम प्रिवेसी। अब जब वो अपने घर में बात करेंगे तो अगर छोटे छोटे केबिन्स, अलग अलग दीवारें हैं बीच में, दरवाजे हैं बीच में, तो थोड़ी उनको प्रिवेसी, एकांकता मिलेगी, मतलब कि अकेला वो आराम से बात कर सकते हैं तो दूसरे उनकी बात को सुन नहीं पाएंगे, तो एकांकता की स्थिति, प्रिवेसी, या कोई जब कोई तंग ना करे या डिस्टर्ब ना करे, उसको बोलते हैं प्रिवेसी। तो वाइल दे मेड एंड रिसीव देयर कॉल्स, कि जब वो करे कोई कॉल, खुद करे या फिर उसी नंबर पे उनके घर वाले उनको कॉल करें, रिसीव करें वो कॉल। अब फिर से इन्वर्टेड कॉमास है, तो फिर से दीपक जो है अपनी कोई घटना बताएंगे इंटरव्यूअर को। दी ओटीज, ओटीज मीन्स ऑफिसर ट्रेनीज, हु वुड टॉक ऑन द पीसीओ फ्रॉम हेयर वुड ऑलवेज रेफर टू द प्लेस एज गंगा ढाबा। अब वो कह रहे हैं कि जो ऑफिसर्स वहां पे बात करने के लिए आते थे पीसीओ में, फ्रॉम हियर वुड ऑलवेज रेफर टू द प्लेस, वो हमेशा इस जगह को रेफर मींस बताते थे दूसरे लोगों को, हमेशा एज गंगा ढाबा, कि वो बात कर रहे हैं गंगा ढाबा से। इट वॉज बिकॉज दिस प्लेस इज सो क्लोज टू द गंगा हॉस्टल इनसाइड द एकेडमी। तो ये इसलिए भी है कि वो सो गंगा ढाबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वाली जो जगह है, दिस प्लेस, ये जगह इज सो क्लोज, बहुत ही पास है, नजदीक है टू द गंगा हॉस्टल, गंगा हॉस्टल से इनसाइड द एकेडमी, जो कि एकेडमी के अंदर है। एकेडमी मींस जहां पे ऑफिसर ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रशिक्षण देने वाली संस्था, तो जो ऑफिसर ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां पे, तो वहां पे वो हॉस्टल में रहते हैं जिसका नाम है गंगा, तो उसके पास है इसलिए वो उसको गंगा ढाबा बोलते थे। दैट स्लोली द नेम चेंज्ड एंड इट बिकेम गंगा ढाबा। तो इसलिए क्या हुआ, नाम इसका चेंज हो गया और बन गया गंगा ढाबा। सिंस इट वॉज द ओटीज, द ऑफिसर ट्रेनीज, दैट गेव अस आर आइडेंटिटी, वी डिसाइडेड टू चेंज द नेम एंड कॉल इट गंगा ढाबा। अब वो कह रहे हैं कि सिंस इट वॉज द ओटीज, क्योंकि ऑफिसर ट्रेनीज ही थे जिन्होंने दी, दैट गेव, गिव का पास्ट टेंस है, गेव, जिन्होंने दी हमें हमारी आइडेंटिटी, पहचान। तो क्योंकि वो ऑफिसर ट्रेनीज थे जिन्होंने दी हमें हमारी पहचान, वी डिसाइडेड टू चेंज द नेम एंड कॉल इट गंगा ढाबा। तो हमने डिसाइड किया टू चेंज द नेम, नाम चेंज करने का, एंड कॉल इट गंगा ढाबा, और उसको हम बोलने लग गए गंगा ढाबा, नाम चेंज कर दिया हमने इस जगह का। ही सेज देयर हैव बीन इंस्टेंसेस व्हेन दीपक एंड हिज फैमिली मेंबर्स हैव लर्नड। अब हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वोला टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वो बता रहे हैं कि देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, कई बार ऐसे उदाहरण मिल चुके हैं, ऐसा हो चुका है, व्हेन दीपक एंड हिज फैमिली मेंबर्स, जब दीपक और उसके परिवार के लोग हैव लर्नड, वो लोग सीखे हैं डिशेस फ्रॉम द ओटीज। डिशेस मीन्स व्यंजन बनाना, और किन से सीखे हैं, वो ऑफिसर ट्रेनीज से, क्योंकि जो ऑफिसर ट्रेनीज है वहां पे वो इंडिया के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जो कई व्यंजन तो उन्होंने वहां पे जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे सीखे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स ने और उन्होंने। ही सेज, फिर से यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है तो कोई डायरेक्ट स्पीच है उनकी, सो मैनी डिशेज ऑन आर मेन्यू, मेन्यू टूडे आर बिकॉज सम ऑफिसर केम इन एंड डिसाइडेड टू टीच अस
हाउ टू मेक देम। अब कई सारी जो डिशेस हैं, व्यंजन हैं हमारे मेन्यू कार्ड में। अब मेन्यू जो होता है वो होता है कि लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स जो कि उस रेस्टोरेंट में अवेलेबल होंगे, पाए जाएंगे, जो भी वो लोग सर्व करते हैं डिशेस, तो वो एक पूरी लिस्ट जो होती है उसको बोलते हैं मेन्यू। तो जो उनकी लिस्ट में आज जितने भी व्यंजन हैं वो हैं, आर बिकॉज सम ऑफिसर केम इन एंड डिसाइडेड टू टीच अस हाउ टू मेक देम। वो इसलिए है क्योंकि कुछ ऑफिसर्स आए, कम का पास्ट टेंस है केम, कम आना, केम आए, कुछ ऑफिसर आए अंदर और उन्होंने डिसाइड किया टू टीच अस, हमें सिखाना, हाउ टू मेक देम, कैसे उन डिशेस को बनाया जाए। वी हैव सीन टू जेनरेशंस ऑफ ऑफिसर्स, तो हमने देखा है दो पीढ़ियां ऑफिसर्स की, सर्व्ड द पेरेंट्स और सेवाएं दी हैं हमने पेरेंट्स को, माता पिता को, हु नाउ एज द पेरेंट्स कम बैक टू ड्रॉप देयर चिल्ड्रन एट दी अकेडमी। तो एक तो हमने सेवाएं दी हैं पेरेंट्स को और उनके बच्चे जो अब खुद पेरेंट्स बन गए हैं, हु नाउ एज द पेरेंट्स कम बैक टू ड्रॉप देयर चिल्ड्रन, वो आते हैं यहाँ पे अपने बच्चों को ड्रॉप करने के लिए एट दी अकेडमी, इस अकेडमी में, संस्था में, एंड टेल अस टू टेक केयर ऑफ देम, और हमें बताते हैं कि हम उनके बच्चों की केयर करें या उनका भी ध्यान रखें। वट मोर कैन वी आस्क फॉर, इससे ज़्यादा हम अब क्या मांगें। वट मोर कैन वी आस्क फॉर, इससे ज़्यादा अब हम क्या मांगें। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि लोगों का इतना ट्रस्ट है उनके ऊपर और इतना उनको मानते हैं वो, यहाँ पे आके अपने बच्चों के लिए भी कह रहे हैं उनका ध्यान रखिए, तो हम इससे ज़्यादा क्या मांगे भगवान से। वाइल द मनी वी मेक इज़ नॉट ग्रेट, जबकि जो हम पैसे बना रहे हैं या जो पैसे बनते हैं हमारे इस बिजनेस से वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है, इज़ नॉट ग्रेट, द रिस्पेक्ट एंड द लव वी हैव एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड, तो जो आदर और प्यार लोगों का वी हैव एक्यूमुलेटेड हम लोगों ने जमा किया है, इकट्ठा किया है ओवर द ईयर्स, पिछले कई वर्षों में, इज वॉट कीप्स अस गोइंग, वही है जो हम लोगों को चलता रखता है, कि जिसकी वजह से हम अभी भी यही बिजनेस चला रहे हैं और हम लोगों को इसने चलता रखा हुआ है, लोगों का प्यार, लोगों का आदर, सेज दीपक प्राउडली। तो दीपक कहते हैं ये बहुत ही गर्व के साथ। तो फ्रेंड्स, आज जो हमने ये पैराग्राफ पढ़ा ये बताता है कि दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो चाहे आप ऐसा उनका बिजनेस कोई बहुत ही महान तरीके से काम नहीं कर रहा है, नॉट वेरी ग्रेट, बहुत वो बता रहे हैं खुद अपने मुंह से कि हम जो मनी बना रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि लोग हमको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और इतना प्यार देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, और सबकी ज़िंदगी में अलग-अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो दीपक गर्ग की जो कहानी है ये सच्ची घटना है, अगर आप इसको गूगल करोगे तो आप सर्च भी कर सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ ड्रॉप इन सम कॉमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।